कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में मेरठ रेंज पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने आज मेरठ पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया, जहां मेरठ पुलिस के 20 पुलिस कर्मियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्पेशल सूट दिए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए आईजी रेंज ने बताया कि पुलिस से किसी भी मामले की शिकायत के लिए लोग ऑनलाइन साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। WHO की टीम द्वारा पुलिस के लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि आपातकालीन स्थिति में कैसे काम किया जा सके। पुलिस का फोकस इस पर भी है कि बाजारों में कोरोना का डर दिखाकर कालाबाजारी न की जाए। इसके अलावा लोगों को स्पेशल डिटेक्टिंग के क्राइट एरिया को फॉलो करना चाहिए ताकि इस वायरस की जद में आने से बचा जा सके। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए अलर्ट जरूरी है, लेकिन पैनिक न हो। कोरोना वायरस को लेकर रेंज पुलिस अलर्ट है, ऐसे में क्या दिशा निर्देश है जो स्पेशल छूट आए हैं, किस तरह प्रोटेक्ट होंगे और कल का जो एक जनता कर्फ्यू है उसको पुलिस कैसे करेगी? देखिए, ये समय एकदम पहली चीज तो एकदम पैनिक होने का नहीं है। इसको लेकर के हमारी सभी मार्केट में और सारी चीजों पे जो एसेंशियल सर्विसेज है, एसेंशियल सप्लाई है, वो सारी चीजें हमेशा पूरी रहें, किसी तरह की कोई कालाबाजारी ना हो सके, इसके लिए हम लोग लगातार सतर्क हैं। जो आवश्यक प्रोटोकॉल है, WHO के नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी है और उत्तर प्रदेश सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनको हम लोग पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। विशेष आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए हमारी पुलिस में और खासतौर से SDRF की एक स्पेशल यूनिट भी यहाँ पर मेरठ में है जो हमारे डिस्पोजल पर, वो सारे लोग इस पर लगातार अभी से ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपने को दक्ष कर रहे हैं किसी आकस्मिकता की स्थिति के लिए, परंतु किसी पैनिक की इसमें आवश्यकता कहीं पर नहीं है। सभी लोग जो एक स्थापित नॉर्म्स हैं, जो एक उद्देश्य है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, कम से कम लोग आपस में इंटरेक्ट करें, और जो भी आवश्यक हम लोगों ने अपनी तरफ से भी निर्देश दिए हैं, किसी को कोई शिकायत है, कोई इमरजेंसी की स्थिति नहीं है, तो यथासंभव ऑनलाइन हम लोगों से अपनी शिकायत भी कर सकता है। UP 112 का अधिकतम प्रयोग कर सकते हैं और हम लोग लगातार अपनी तरह से सतर्क हैं, विजिल हैं और स्वास्थ्य विभाग के साथ, जिला प्रशासन के साथ सभी लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं। सर, कल के लिए जनता के लिए क्या मैसेज है? कल के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो निर्देश है, जो उनका सुझाव है और जो हमारे पूरे सरकार की मंशा है, सभी लोगों का बेसिकली एक ही चीज़ है कि कैसे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए और सभी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि हम लोग कल इसे एक पूरी आस्था के साथ, एक पूरे विश्वास के साथ, एक सोशल सॉलिडारिटी का एक परिचय दें और हम लोग उसको पूरी तरीके से। कल के लिए कोई स्पेशल ड्यूटीज डिप्यूट की गई है? हम लोग अपनी तरफ से जो हमारी पूरी तरह से विजिलेंस और सतर्कता की स्थिति है वो हम लोग लगातार रखेंगे। जो एक अलर्टनेस की निर्देश है और जो भी उसमें यथासंभव आवश्यकता हमारी रहेगी, पुलिस का आशय ये नहीं कि पुलिस की प्रेजेंस समाप्त हो जाएगी। हर तरह से हम लोग अपनी जो हमारी एक बेसिक ड्यूटी है, जहाँ जहाँ पर एक आवश्यकता होगी, इमरजेंसी होगी, सभी जगह पर हम लोग मुस्तैद और अलर्ट रहेंगे। क्या रेंज के सभी जिलों में ये स्पेशल सभी जगहों पर, आज सभी जगहों पर इसका डिस्प्ले भी किया जा रहा है और हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। हमारे सभी जनपदों में इसकी लगातार एक पुख्ता तैयारी हो रही है और लगातार इसकी ऑनलाइन भी और वैसे भी समय समय पर हम लोग इसकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। थैंक यू।